नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी इंडियन ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के जहानुमा रिट्रीट में पहुंचा हूं, जहां एक ब्रंच शुरू हुआ है। ये ब्रंच सिर्फ चंद महीनों के लिए चलता है, 3-4 महीनों के लिए। मेरे साथ वहां पे दिबांग, वहां के शेफ मौजूद हैं जो बढ़िया खाना खिलाते हैं और एक अलग एटमॉस्फेयर में खाना खिलाया जाता है। यहाँ ये 1 बजे ब्रंच शुरू होता है और शाम 5 बजे तक लगभग चलता है। शेफ बताएं इस ब्रंच के बारे में कुछ। ओके, सो हम लोग का ब्रंच का जो USP होता है वो होता है, हम लोग जो फॉर्म टू फोक थीम हम लोग करते हैं। मतलब हम लोग का जो सब्जी होती है होम ग्रोन होता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सैलड्स, इवन फॉर द मेन कोर्सेज ऑल्सो। सो पीपल उसको, मतलब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, उसका फ्लेवर सब कुछ अलग ही होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग डेजर्ट काउंटर में खड़े हैं। हम लोग बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ है इस बार, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग ने एडिशन किया हुआ है। जैसे कि ये चॉकलेट फाउंटेन है, चॉकलेट फाउंटेन इस बार हम लोगों ने नए लाए हुए, इसके साथ सारे एकम्पनीमेंट्स रहते हैं। और हम लोग कैलिबू का डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं फॉर द फाउंटेन। देन अगर हम लोग मूव करते हैं तो हम लोगों के पास अलग अलग केक्स रहते हैं। और ये हम लोग का एक USP है, ये है हम लोगों का नाइट्रोजन आइसक्रीम, जिसमें हम लोग का हर हफ्ते हम लोग नए फ्लेवर्स लेके आते हैं। जो आइसक्रीम का बेस रेडी रहता है उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन डाल के और शेफ जो खड़े रहते हैं वो उसको सर्व करते हैं। वो हम लोग अभी इस बार कोन्स में भी चालू किया है, सो कोन्स में देते हैं गेस्ट चॉइस में या फिर कप्स में, जैसे गेस्ट को पसंद आता है। सो ये फ्लेवर हर हफ्ते नए नए चेंज होते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अधिकतर पुराने फ्लेवर ही चलते रहते हैं, नए नए फ्लेवर आते रहते हैं। और शेफ जो बना रही हैं वो भी बड़ी खुशी के साथ बना रही है, तो इससे स्वाभाविक है कि उसका टेस्ट बहुत ज़रूर अच्छा होगा। तो आप हमें थोड़ा सा टेस्ट करवाएं कि ये कैसा है। तो आज हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि इसका नाइट्रोजन आइसक्रीम का टेस्ट किस तरह का है, कि जितने उनने प्यार से बनाया है मेरे ख्याल से उतना अच्छा उसका टेस्ट भी होगा। तो ये आप इतना दीजिए कि हम उतना खा भी पाएं। ये इसके डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, रंग बिरंगी, ऊपर से ऐसा लग रहा है मेरे को ये सेव होते हैं जैसे, उस टाइप की चीज़ें डाली जा रही हैं। लेकिन ये जो भी हैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। वाह, बहुत ही अमेजिंग है। और इसका स्वाद जो है बाकी आइसक्रीम से हटकर है। तो शेफ, ये लोग कितना पसंद करते हैं ये बताएं। लोगों को तो बहुत पसंद आती है, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि इसे आके हैं, बहुत सारे लोगों को प्रेस किया है हम लोगों के चॉकलेट फाउंटेन एंड स्पेशली द होममेड आइसक्रीम जो नाइट्रोजन आइसक्रीम है। बहुत सारे लोग, जैसे कि आज हम लोगों का फ्लेवर था चॉकलेट सिनेमन आइसक्रीम एंड सिनेमन एंड एप्पल आइसक्रीम का। सो इट्स लाइक, तो बहुत सारे लोग हम लोगों को बहुत अच्छा। हमें आप जो है खाने के बारे में बताइए, खाने में लोग क्या खा रहे हैं, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं। मेडिटेरियन काउंटर लॉन्च किया है जो कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं शवरमा काउंटर, बट हम लोग शवरमा ट्रेडिशनल वे में नहीं बना रहे हैं। हम लोग शवरमा मैरिनेशन में चिकन को रखते हैं और उसको फिर हम लोग चार ग्रिल करते हैं। सो इसका इट्स अ सिगरी में हम लोग उसको ग्रिल करते हैं, फिर उसको पिटा के साथ हम लोग उसके अंदर डिफरेंट मेडिटेरियन डिश डालकर जैसे हुमूस, बाबा गनोश, लावने एंड गार्लिक मेयोनीज डाल के उसको रैप करते हैं एंड देन उसको सर्व करते हैं। देन हम लोगों का जो लाइव काउंटर है वो हम लोग डेली बेसिस पे चेंज करते रहते हैं, वीकली बेसिस पे। जैसे कि आज हम लोग का स्पेशल में है डिमसम्स काउंटर, वेज नॉन वेज डिमसम, और हम लोग रेगुलर स्टीम डिमसम्स के बदले पैन फ्राई डिमसम दे रहे हैं जो कि गेस्ट को बहुत पसंद है। देन हमारे पास है पास्ता काउंटर का सेटअप है जो हम लोग डेली बेसिस पे रखते हैं, बिकॉज सारे गेस्टों को हम लोग का पास्ता बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम लोग पास्ता काउंटर कॉन्स्टेंट रखते हैं। अब मेन कोर्स पे भी आ जाएँ थोड़ा सा और देख लें कुछ खास चीज़ें के उसमें क्या खास है। तो अब मेरे साथ होटल के GM मिस्टर विल्सन आ गए हैं। तो क्या खास है ऐसा कि लोग इतनी दूर से चले आते हैं, भोपाल तो भोपाल, भोपाल से बाहर के कई लोग आते हैं, जानुमा रिट्रीट का नाम सुन के आते हैं। क्या आपके हाथों में क्या ऐसा कमाल है, आप शेफ से किस तरीके से काम कराते हैं? आप खुद भी पुराने शेफ हैं क्योंकि खाने की आपको बहुत ज़्यादा समझ है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो ये जो जेंट्री आती है यहाँ पे, एक अलग तरीका का क्राउड रहता है, ये क्या आपके जादू क्या है खाने का, वो बता दें आप। तो एक तो आपने सही बोला कि हाँ, शेफ़ के हाथों में जादू तो बड़ा ज़रूरी है,
लेकिन उसके अलावा एक और जो मेजर रीज़न है वो है क्योंकि यहाँ जो सब्ज़ी यूज़ होती है वो इसी ज़मीन में उगती है। तो रिट्रीट में 70% जो प्रोड्यूस होता है, जो सब्ज़ी हम यूज़ करते हैं, वो इसी ज़मीन में उगती है, हम यहीं पे ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ पेस्टिसाइड्स हम यूज़ नहीं करते। आई थिंक वो चीज़ काफ़ी मायने रखती है खाने में, खासकर इंडियन खाने में, कि सब्ज़ी का टेस्ट ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। प्लस लेट्यूसेस हम ग्रो करते हैं, जितने भी सैलड्स आप रिट्रीट में खाएंगे, चाहे वो एरेगुला हो या आइसबर्ग हो, वो सारी चीज़ें यहीं पे हम ग्रो करते हैं। यहाँ की खूबी ये भी है, लोग तो खाना तो खाते ही खाते हैं, साथ में खूब इन्जॉय भी करते हैं। आप देखें खाना का एक अलग तरीके का, आपको एक अलग अलग चीज़ें देखेंगी, वो ऑर्गेनिक ही हैं अधिकतर चीज़ें यहाँ पे, और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है और बहुत अलग तरीके का है। आमतौर पे होटलों में इस तरीके से नहीं रहता, और इसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा और हाइजेनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण से यहाँ का खाना जो है बिल्कुल एक अलग तरीके का। शाम के 5 बज चुके हैं, लोग 1 बजे से यहाँ आए हुए थे, तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जो इनकी खास सब्जियाँ कुछ हैं वो ज़रूर दिखाएं। हलीम देखिए आप, पनीर देखिए, उसके अलावा आलू की सब्जी देखिए आप, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कलर यूज़ नहीं किया गया, उनके नेचुरल तरीके से बनाया गया है, वो बहुत ही अद्भुत है। लोग खा के जा चुके हैं, कुछ खेलने में लगे हैं, कुछ दूसरी चीज़ों में लगे हैं। ये खाना जो है एक अपने आप में अलग पहचान रखता है अपनी, और इस पहचान की वजह से जहानुमा को पहचान जाता है। अब बिरयानी का रंग देख के ही समझ में आ जाएगा किस तरीके की है, चाहे चिकन को देखेंगे चाहे मटन को देखेंगे, मटन को देख के तो मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद में, खाने के बाद में जो व्यवस्था है कि लोग कोई गेम खेल रहे हैं, आप देखेंगे कोई फोटो शूट करता है, कोई किस तरीके से कर रहा है, खाने का पूरा इंजॉय कर रहे हैं। शाम को 5 बजे लोग खाना लंच में कर रहे हैं, ब्रंच खा रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग पहचान है। उसके पीछे यही वजह है कि जहानुमा ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है इस शहर में ही नहीं, इस देश में, जिसकी वजह से लोग बाहर से भी लगातार आते रहते हैं। मैं इंडियन ऑब्जर्वर के लिए शशि कुमार केसवानी, जहानुमा रिट्रीट से।